हेलो सड़ाई किसान में आपका स्वागत है और आज आपके लिए गर्मा गर्म वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गरीना फ्री फायर मैक्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो गेम है वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसकी लॉन्च डेट आ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी गेम के ऊपर बात करने वाले हैं, इस गेम के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें इस गेम के अंदर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो टाइम वेस्ट करते हैं, आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गरीना फ्री फायर और गरीना फ्री फायर मैच के डेवलपर्स के बारे में। दोस्तों इस गेम को बनाया है गरीना इंटरनेशनल आई प्राइवेट लिमिटेड ने। तो दोस्तों जो गरीना फ्री फायर मैच का जो छोटा वर्जन है वो है गरीना फ्री फायर। ये जो गेम है वो आपको 766 MB का देखने के लिए मिलता है और जैसे कि आपने पबजी देखा है इंस्टॉल होने के बाद गरीना फ्री फायर में जो है एक्सपेंशन पैक कहते हैं और पबजी में हम कहते हैं उसे रिसोर्स पैक, तो वो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। और टोटल जो पबजी है हमारा जो पबजी है वो 850 GB का हो जाता है सभी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद। और मैंने दोस्तों वैसे गरीना फ्री फायर तो खेला नहीं है और मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ ये जो गेम है वो 4.5 या 5 GB तक का हो जाता है एक्सपेंशन पैक डाउनलोड करने के बाद, सब चीज़ें डाउनलोड करने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम गरीना फ्री फायर मैच के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो है अल्फ़ा टेस्टिंग बाहर के कंट्रीज़ में चल रही है, तो इसका जो साइज़ बताया गया है वो बताया गया है 1.03 GB। तो जो हमारा गरीना फ्री फायर मैक्स होगा वो इतने साइज़ का होगा। अब दोस्तों इन्होंने हमें ये नहीं बताया है इसमें जो उनके एक्सपेंशन पैक है मतलब जो रिसोर्स पैक हैं वो कितने कितने MB के होंगे, मतलब ये सब डाउनलोड करने के बाद पूरा गेम आपको कितना बड़ा मिलने वाला है। वैसे दोस्तों आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया, गरीना फ्री फायर मैक्स, इसमें मैक्स का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसमें मैक्स का जो मतलब है वो ये है, आप इस गेम को मैक्स क्वालिटी पर खेल पाएंगे, मतलब आपको इसमें मैक्स FPS, मैक्स क्वालिटी और सभी चीज़ें इसमें मैक्स देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस पर्पज़ से इन्होंने अपने गेम में मैक्स लगाया है। वैसे दोस्तों ये जो वर्जन है वो गरीना फ्री फायर का बड़ा वाला वर्जन होने वाला है, इसलिए भी इसका मैक्स लगा हुआ है। और जो गरीना फ्री फायर है वो इसका लाइट वर्जन हो जाएगा, जैसे कि बहुत से डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनमें 1 GB रैम होती है, 2 GB रैम होते हैं, तो वो लोग जो है वो गरीना फ्री फायर को खेल सकते हैं। और जिनके फ़ोन के अंदर 3 या 4 GB रैम है वो अपने गरीना फ्री फायर मैक्स को अच्छी क्वालिटी पर खेल सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो टेक्नोलॉजी इस गेम में यूज़ करी गई है। तो दोस्तों गरीना फ्री फायर मैक्स जो है उसके अंदर एक फाइलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जो फ्री फायर के जो प्लेयर हैं वो अपने अकाउंट को आसानी से अपने डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब जो उनकी गन की स्किन्स हैं, आउटफिट हो गई और जो कार की स्किन हो गई वो सब अपने गरीना फ्री फायर से गरीना फ्री फायर मैक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस गेम के एक ऐसी फीचर के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। तो दोस्तों इसके अंदर एक आपको फ़ीचर देखने के लिए मिलने वाला है, क्राफ्टलैंड फीचर। तो दोस्तों इस फीचर में होगा क्या, आप अपना मैप खुद से बना सकते हैं, आपको उसमें पेड़ मिलेगा और हाउस बनाने के लिए चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हमारे जो माइनक्राफ्ट होता है आप उसमें हाउस बनाते हैं, ट्री बनाते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, वैसे ही आप फ्री फायर मैक्स में कर पाएंगे। और जो आपका खुद का मैप होगा वो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर पाएंगे, आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके ऊपर खेल पाएंगे। अब दोस्तों देखते ये हैं जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग होगा वही सबसे अच्छा मैप बना पाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम फ्री फायर मैक्स के कुछ और चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों आपको उसमें जो गन का एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा वो एकदम रियलिस्टिक आपको लगेगा जब आप सामने वाले बंदे पर गोलियाँ चलाएंगे। साथ ही साथ आपको इस गेम के अंदर रियलिस्टिक कैरेक्टर भी देखने के लिए मिल रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको इस गेम के अंदर रियलिस्टिक लगेंगी। साथ ही साथ दोस्तों जब आप गेम में एंटर होते हैं तो दोस्तों गेम से पहले आपको 1 मिनट की जो लॉबी देखने के लिए मिलती है वो आपको 360 डिग्री लॉबी देखने के लिए मिलेगी, मतलब आप उस लॉबी के अंदर 360 डिग्री तक देख पाएंगे, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इस गेम की रिक्वायरमेंट के बारे में। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपके पास 3 GB रैम वाला फ़ोन है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी बैटरी काफ़ी स्मूथली गेम प्ले कर पाएंगे अपने फ़ोन के अंदर।
और 4GB वाला हुआ तो और ही ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे दोस्तों आपको जो मिनिमम रैम चाहिए इसके लिए 2GB रैम चाहिए। वैसे अगर हम 2GB रैम वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो रैम फ्री मिलती है वो 800 कुछ MB मिलती है, जो NFA किसी भी गेम के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा रैम है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास 1GB रैम वाला फ़ोन है तो आप इस गेम को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों आपको जो 1GB रैम में जो रैम का फ्री स्पेस दिखता है वो 650 या 600 MB आपको दिखता है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिसमें 450 MB तक बचती है, जिसकी रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो दोस्तों आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जो है वो कम से कम 3GB वाले फ़ोन में इस गेम को रन करिएगा, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो आपको अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है वो 1GB खाली रखनी होगी। वैसे हम जैसे जो होते हैं वो अपने इंटरनल स्टोरेज भी भर लेते हैं और SD कार्ड भी भर लेते हैं। वैसे दोस्तों मेरे फ़ोन में 32GB का SD कार्ड लगा हुआ है और इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल दोनों गिरी हुई है। आपके फ़ोन में दोस्तों कितनी इंटरनल स्टोरेज है और आपके फ़ोन के अंदर कितनी स्टोरेज खाली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ये जो गेम है वो 26 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा, कहीं पर 27 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आर्टिकल में मैंने ऐसा भी देखा है ये जो गेम है वो आपको अक्टूबर में भी देखने के लिए मिल सकता है। और जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है वो आपको अक्टूबर में ही देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना नहीं भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।